असलकम कैसे हैं आप ठीक है अपने आप को टाइम दे रहे हो अपने आप को टाइम दिया करो टाइम दिया करो अपने आप को और मुस्कुराया करो आज हम बात करेंगे जब किसी इंसान का आपसे मन भर जाता है उसका दिल भर जाता है तो वो किस टाइप की चीज़ें करता है और अगर उसका दिल भर जाए तो आपको क्या करना चाहिए इन्हीं चीज़ों पर हमने डिस्कस करना है सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा बहुत से लोग इस्पेली मर्द माजरत के साथ अगर मर्दों को बुरा लगता है मर्द का जब दिल भरता है तो वो औरत के किरदार पर उंगली उठाना शुरू करता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है जब उसका दिल नहीं भरा होता वो कभी भी उसके किरदार पर उंगली नहीं उठाता जब उसका दिल भर जाता है मन भर जाता है वो उसके किरदार पर उंगली उठाना शुरू है ये ऐसे ये ऐसे पास्ट लेके आके उसके मुंह पे मारेगा ये और डिफरेंट चीजें हैं जो एग्जैक्टली वो उसके सामने करेगा और डेफिनेटली ये चीज कभी भी किसी फीमेल से बर्दाश्त नहीं होती कौन अपने करेक्टर को बुरा जो है ना वो सुन रहा है कि अगला बंदा बुरा कह रहा है फिर वो चीखेगी चिल्लाएगी -ची लड़ाई होगी उसका दिमाग जो है ना वो अपसेट हो जाएगा फुल डेफिनेटली इंसान है भाई इंसान के पास उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे ज्यादा कीमती होती है ना उसी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बंदा डायरेक्ट गोली मार रहा है तो तकलीफ होगी इंसान को तो ये लोग अक्सर इसी वजह से कर रहे होते हैं कि वो बस कहते हैं कि ये पीछे हटे किसी हिसाब से जान छू, छूटे हमारी और देखिए जब इस टाइप की कोई चीज़ बंदा करता है खुदारा खुदारा उसके पीछे मत लग जाया करें आप उसको प्रूफ देने के चक्रों में बैठ जाते हो बस उसको समझाने के चक्रों में बैठ जाते हो कि खुदारा ऐसा नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है रोना आपका शुरू हो जाता है भाई वो बंदा नहीं समझेगा आपको इस कंडीशन में आप जिस इमोशनल फेज से गुजर रहे हो वो इस इमोशनल फेज में नहीं है वो इस वक्त स्टेबल है इस वक्त तो उसको आपकी कोई कमी महसूस नहीं हो रही और आप उसको अपनी बातों से अपनी चीज़ों से कमी महसूस करवाने की कोशिश करते हो उसको ठीक करने की कोशिश करते नहीं हो नहीं होगा तो आपने कभी भी ये काम नहीं करना कि उसको अपनी बातों से अपनी चीज़ों से उसको कमी महसूस करवाने की कोशिश कर दूसरी चीज़ लहजा बदल जाता है ना मैंने इसका जिक्र मेरे ख्याल में काफ़ी दफ़ा किया है पहले भी वीडियोज के अंदर कि अगले इंसान का लहजा टोटली बदल जाता है जिसपे आई थिंक मुझे मैं मेरा इल्म इतना नहीं है हज़रत अली भी फरमाते हैं कि जब कोई इंसान आपसे दूर जाना चाह रहा होता है तो उसका उसका लहजा या उसकी जबान बदल जाती है वो पहले जैसी नहीं रहती एग्जैक्टली exactly आप देखोगे अगले इंसान की जबान बड़ी कड़वी हो गई है वो हर वक्त आपके साथ लड़ रहा है हर वक्त आपके साथ कड़वा बोलता है आपके किरदार पे उठाएगा आपको डिफरेंट बातें सुनाएगा उसका लहजा वो वाला है ही नहीं जो पहले था अब वो लहजा है ही नहीं आपको लगता है ये वो वाला इंसान नहीं है जो पहले था बदला हुआ है उसका लहजा इतना कड़वा हो गया वो इतना कड़वा इतना गलत बोलता है आपके साथ तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि किसी इंसान का आपसे मन भर रहा है या मन भर गया है उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है और वो आपसे दूरी इख्तियार करना चाह रहे हैं मे बी किसी इंटेंशन के साथ ना कर रहा लेकिन उसके ब्रेन में वो इतना नहीं है तो वो समाइम आपसे उसका दिल भरा हुआ था इस टाइप की चीज कर रहे जैसे आप पीछे हटते हो समाइम कुछ लोग भाग गए हुए आते हैं क्योंकि उनको नहीं समझ आ रही होती कि हम इस टाइप का बिहेव कैसे कर, कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं केसेज के अंदर लोग जब आप किसी को फार ग्रंटेड लेते हो उसके बाद जब वो बंदा पीछे हटता है फिर आपको तकलीफ होती है कि काश मैं न लेता उसको फार गटेड क्योंकि उस बंदे ने आपकी लाइफ में एक जगह बनाई होती है जैसे ही वो हटता है आपको कमी महसूस होती है। जब था नहीं हो रही थी आप उसको नॉर्मल ट्रीट कर रहे थे जैसे इंटरेस्ट ही नहीं और वो बंदा तकलीफ में जा रहा था जैसे आप इस वक्त तकलीफ में हो क्योंकि अगला बंदा इंटरेस्ट उसको अपने काम अपनी चीजें ज्यादा अजीज है आप अजीज़ ही नहीं है तो आपको फील हो रहा है उसका इंटरेस्ट नहीं है सम टाइम आप पीछे हटते तो उसकी उसकी आंखें खुल जाती सम टाइम कुछ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो चाह है रहे होते हैं भाई ये बंदा निकले हमारी जिंदगी से अब आप देखेंगे उसको काम अपने ज्यादा अजीज़ है उसको दोस्त अपने ज्यादा अजीज़ है उसको दूसरी चीज़ें अपनी ज्यादा अजीज़ है उसको घर वाले अपने ज्यादा अजीज़ है आपके लिए जो है ना उनके पास वक्त नहीं है एक्सक्यूजेज कर रहे कि मेरे पास वक्त ही नहीं मैं तो बिजी होता हूँ होती हूँ जो भी चीज़ है ये चीज आपके साथ बोली जा रही है और आप उन चीजों को एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि हाँ वाकई अगला बंदा बिजी होगा वाकई ये वाकई वो तो इस वजह से चीजों को बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है अपने फदा और ऐसी कंडीशंस के अंदर अपनी नर्व पे कंट्रोल रखना है खास आप अपनी नर्व पे कंट्रोल नहीं रख पाते आप चीखते हो लड़ते हो गिड़गिड़ाते हो कंप्लेन करते हो आर्ग्यूमेंट करते हो हर चीज करके आप देख लीजिए आपने कुछ हुआ नहीं है और होगा भी नहीं कंटेनरस चुप करके साइड में नहीं होते हैं आप लड़ो नहीं अपने जगह बनाने के लिए के जैसे वो सीट के लिए लड़ रहे होते ना सियासत दल लड़ना नहीं है आपने किसी इंसान के दिल में सीट लेने के लिए जगह ले ली बहुत बड़ी मिस्टेक होती है फिर इस टाइप के लोग आपको जो है ना मजबूर कर देते हैं यानी कि वो चाह रहे होते हैं कि हम ना ही छोड़ें इसको ये खुद ही हमें छोड़ जाए इतना मजबूर करेंगे इतना बुरा बिहेव करेंगे गालियां देते हैं सम टाइम ब्लॉक कर देते हैं अनब्लॉक करेंगे फिर ब्लॉक कर देंगे डिफरेंट चीजें आपके साथ इस टाइप की करेंगे इतनी बुरी करेंगे कि आपका खुद दिन चाहेगा मैं पीछे जाओ क्योंकि वो टॉपजिंग ही तरह बन जाते हैं वो टॉम्सिंग सिर्फ इस वजह से बन रहे होते हैं कि आप उनसे खुद पीछे हटो वो ना हटे जिस वजह से वो टॉक्सिक बन रहे होते आपको मजबूरन उनसे पीछे हटना पड़ता, और आप पीछे हट जाते हो क्योंकि तकलीफ इतनी हो रही इंसान से बर्दाश्त नहीं होती जब वो पीछे हटता है उसको पता लगता है हाँ मुझे अब सुकून है आप पीछे हट जाते आपको पीछे हटना चाहिए हट जाते हो नहीं हट हट जाना चाहिए ताकि अगले को रियलाइज वो उसको रियलाइज तभी होगा जब आप थोड़ा पीछे हटोगे उसको पता चलेगा कि जी ये बंदा निकल रहा है मेरी लाइफ से ये जा रहा है और इस चीज को अगला बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा राइट अच्छा उसके अलावा ग्रेट ट्रैपिंग भी की जाती है मैंने बड़ा इस पर भी काम किया है और आपको बताया है। अगला बंदा आप पे इल्जाम देगा हर चीज का आप पे इल्जाम देगा कि आप ही बुरे हो आपने ये किया आपने ही वो किया तो चीज़ ये भी आपका फॉल्ट है वो भी आपका फॉल्ट है हर चीज ही आपका फॉल्ट है बस आप ही बुरे हो और आप एग्जैक्टली समझ रहे होते हो कि मेरा ही फॉल्ट है मैं तम बोलता हूँ मेरा फॉल्ट है मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया मेरा फॉल्ट है भाई नहीं फॉल्ट आपका अगला बंदा रखना ही नहीं चाह रहा अब वो फॉल्ट फॉल्ट कर रहा है आप कह रहे हो पता नहीं क्या मेरा फॉल्ट है भाई ऐसा नहीं होता तो एग्जैक्टली लोग इस टाइप की चीजें भी करते हैं आपका रोना अगले बंदे को पसंद नहीं होता वो कहता है ना रो मेरे सामने ये रोना बंद करो ये ड्रामे बंद करो ये ड्रामे हैं आप ये मगर मच्छ के आंसू बंद करो और इसी वजह से मैं कह रहा हूं तो अपने आप को जलीलो रोस्पा मक्छ करें और किसी के सामने मत रोए मत रोए मत रोए अकेले में बैठ के रो लो अल्लाह के सामने रो लो किसी के सामने रोकर अपनी इज्जत को रुसवा नहीं करना आपने तो आप इन बातों को इन चीजों को समझें जो चीजें मैं समझा रहा होता हूं, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें और ये जो कंडीशंस मैंने बताई इनमें थोड़ा सा पीछे हटना बैक स्टेप लेना है और हाँ बस वीडियो सुन के अप्लाई नहीं कर देना अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप किसी प्रोफेशनल के साथ बात कर लें ताकि आपको समझ जाए हर केस हर चीज आप पे अप्लाई नहीं हो रही होती तो ये गलतियां मत किया करें मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीजें जरूर सीखी होंगी तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियां दे और आपके सारे गम धो दे अमीन सुम अमीम अल्लाह